वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़ी सी जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहें, वक्त मजबूर कर देता है। भागलपुर हिंदू अनाथालय स्थापना 20 दिसंबर 1925 स्थापना कराने वाले भागलपुर निवासी दीप नारायण सिंह और उनके सहयोगी राय बहादुर, सुखराज राय, बाबू कमलधारी और भी कई अन्य लोग। उस समय बाबू दीप नारायण सिंह राजघराना से हुआ करते थे, वो जमींदार थे। एक खास बात, भागलपुर हिंदू अनाथालय लेकिन सभी धर्म के अनाथ बच्चों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ। भागलपुर हिंदू अनाथालय के नाम के आगे हिंदू शब्द राष्ट्र का नाम यानी हिंदुस्तान आगे जो शब्द है नाम हिंदू उससे लिया गया है, यह धर्म सूचक नहीं है। सन 1930 में भागलपुर हिंदू अनाथालय का नाम बदलकर रामानंदी हिंदू अनाथालय कर दिया गया। आखिर क्यों बदल दिया गया भागलपुर हिंदू अनाथालय का नाम? भागलपुर निवासी दीप नारायण सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती रामानंदी देवी के स्मृति में दीप नारायण सिंह ने अनाथालय के लिए प्रत्येक महीने 250 रुपये चंदे की राशि का प्रबंध अस्थायी तौर पर कर दिया। उस जमाने में 1925 ईस्वी में 250 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, जिसके उपलक्ष्य में भागलपुर हिंदू अनाथालय का नाम परिवर्तित हुआ और नाम रखा गया रामानंदी हिंदू अनाथालय नाथनगर भागलपुर। कभी बच्चों की किलकारी से और लड़कियों की पायल की खनखनाहट से गुलजार हुआ करता था रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर। सन 2014 के बाद कुछ सुना सुना सा लगने लगा रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर, क्योंकि सूबे की सरकार ने 2014 में बाल गृह और बालिका गृह का स्थापना किया और यहां से यानी रामानंदी देवी अनाथालय से बच्चियां और कुछ लड़के को यहां से निकालकर दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय का सूनापन आप देख सकते हैं। हमारे साथ रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय के सचिव हैं शारजानंद मिश्र जी। सर, एक समय में काफ़ी गुलजार हुआ करता था अनाथालय आश्रम रामानंदी देवी अनाथालय, और अब कुछ खालीपन लग रहा है। खालीपन है, फिर भरेगा, इसलिए कि हम लोग अनाथ नहीं, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है संस्था हमारी। अभी जो है खुला आश्रय चलता था, पहले बाल गृह चलता था, बाल बच्चा बड़ा रहता था, लड़कियां बड़ी रहती थी। उस सरकार द्वारा 2014 में एक बाल गृह और बालिका गृह की स्थापना करके अलग शिफ्ट किया गया, और पहले हम लोग यहाँ बच्चियों की शादी भी कराते थे, सब कुछ कराते थे। 1925 से अनवरत यहाँ किसी तरह की शिकायत नहीं और बढ़िया से चल रहा है। लेकिन जब सरकार की ऐसी मानसा हुई और उसके बाद खुला आश्रय चलता था, वो भी मार्च 18 में आके बंद कर दिया गया। हमारे साथ भागलपुर रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय के कोऑर्डिनेटर हैं कुमारी अनुश्री। मैम, आप हमें ये भी बताइए कि यहाँ पर जो भी अभी फ़िलहाल बच्चे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता था कि एक समय में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, उसके बाद सूबे की सरकार 2014 में बालगिरी बालिकागिरी का ऐसा किया, उसके बाद यहाँ से जो है बच्चे को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, तो कुछ सुना सुना खालीपन सा महसूस होता होगा। जी, पहले एक समय ऐसा था कि हर उम्र के बच्चे, कहते हैं ना कि बच्चे बूढ़े सबको यहाँ पे थे, तो हमारे यहाँ अनाथालय में एक तरफ पहले आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करती थी, फिर बच्चे भी यहाँ रहते थे, बड़े बच्चे बालिका लोग रहती थी जिनकी शादी भी यहाँ की जाती थी। फिर धीरे धीरे सरकार ने बालिका गृह खोल दिया, बाल गृह खोल दिया, तो धीरे धीरे उन जगह बच्चे शिफ्ट होते गए। अब हमारे पास यही नन्हे मुन्ने बच्चे रह गए हैं जिनके साथ हम लोग यहाँ है, लेकिन हाँ एक खालीपन तो जरूर है यहाँ। मन लगता है रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय नाथनगर भागलपुर में सिर्फ अनाथ बच्चे भी नहीं, एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माँ भी हैं और पिता भी हैं, लेकिन वो अनाथालय में ही रहना पसंद करते हैं। विगत 15 वर्षों से ये अनाथालय में हैं। दीपराज जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके माँ भी हैं, पापा भी हैं, और आपका जो है रहना यहाँ पर होता है, ऐसा क्यों? हम ऐसे, मेरे
माता पिता जो हैं बिल्कुल गरीब हैं और हमारे दो भाई नहीं पढ़े, इसलिए हमारे यहाँ पे जो है हमको दिक्कत हो रही थी गांव में पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे जा करके हमारे पिताजी और माताजी से मिले और हमको बोले कि आप यहाँ से इनको दीजिए, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक अच्छे नागरिक इसको बनाएंगे ताकि ये एक बच्चा आपका पढ़ सके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो माहौल हैं कि यहाँ पर आज दूसरी कक्षा में जब थे जब आप यहाँ पर आए थे और आज प्लस टू तक का सफ़र आपने तय किया, तो कैसा माहौल रहता है? एक बचपन से मैंने जब यहाँ से पढ़ाई की तो बहुत अच्छा लगा और आज हम जब यहाँ रहते हैं और बहुत सारे हमको बहुत अच्छे से प्यार देते हैं, गार्जियन के तरह मानते हैं, माता पिता माने तो हमारे यहाँ जो भी सेक्रेटरी सर हैं, अध्यक्ष सर हैं, मेरे वही गार्जियन हैं और माँ के रूप और पिताजी के रूप में वो करते हैं, जो भी दिक्कत होती है सारे वो पूर्ति करते हैं। तो आप गांव अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाते हैं? हाँ जाते हैं कभी कभी। रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में कई तरह के लोगों का आना होता है, लोग बच्चों के लिए खाना मिठाई कपड़े कर आते हैं और इनमें से एक शख्स ऐसा है जो तकरीबन कई बार यहाँ आ चुके हैं और उनका लगातार यहाँ पर आना होता है। हमारे साथ गौरव जैन जी हैं जो कि लगातार कई सालों से यहाँ पर अनाथालय इनका आना होता है और बच्चों के लिए ये खासकर मिठाई और कपड़े और भी कई तरह के खाने की वस्तुएं लेकर ये आते हैं। गौरव सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आपका कई बार कई सालों से लगातार यहाँ पर आना होता है। देखिए ऐसा है ना कि जनरली अनाथालय में लोग पूड़ी सब्जी या बूंदिया इस टाइप के खाने पीने की चीज़ लेके आते हैं, तो शुरुआत में मैं भी यही सब लेकर के आया, तो फिर मैंने देखा कि बच्चों को रुचि थोड़ी कम हो रही है इन सब खानों में, तो मैंने दो चार बच्चों से पूछा कि भाई क्या बात है तुम लोग खा नहीं रहे हो, तो बोला ये सब तो भाई रोज़ ही कोई ना कोई ला करके दे रहता है, तो हम लोग को वो चाउमीन हो गया, पाव भाजी हो गया, ये सब कोई ला करके नहीं देता है। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो उनके लिए खास करके कभी चाउमीन पाव भाजी चिप्स जो भी जो फास्ट फूड टाइप का जो होता है वो लेकर के आता हूँ, उन बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ ही खाता हूँ और अच्छा वक्त व्यतीत करता हूँ उन बच्चों के साथ, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरी दादी माँ मुझे इस जगह पर लेकर के आती थी और बहुत सारे बच्चे यहाँ हुआ करते थे, हम लोग खूब खेलते थे साथ में, तो उस वक्त से ये भाव मेरे में आया कि एक सेवा भाव जो होता है ना कि भाई जिनका कोई नहीं है तो उनके लिए कुछ करना है, ये मेरी दादी माँ हमेशा बोलती थी कि गरीब बच्चों के लिए, और उन्होंने बहुत किया है, जिसमें हम लोग में हमारे धर्म जैन धर्म में बोला जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है गुप्त दान, तो वो यूं ही कभी ऐसे कुछ भी लेकर के बच्चों के लिए आ जाया करती थी और बच्चों के बीच बांट करके वो चली जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था अपने समाज में किसी को भी। तो ये जो एक गुप्त दान और ये जो एक सेवा का भाव है ना, ये शायद मेरी दादी माँ से ही मुझे इसमें आया है और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। वैसे पेशे से मैं ई फार्मेसी, मेडलाइफ, 1MG और सबसे सस्ता दुकान, इनका काम देखता हूँ भागलपुर का। और क्या होता है इसमें सर, ये क्या? ये एक्चुअली भागलपुर जैसे मार्केट में जहाँ मेडिसिन पर डिस्काउंट नहीं मिलती है, तो ये हमारे ई फार्मेसी के थ्रू ये 20% डिस्काउंट में ये हम लोग अपने जो भी कस्टमर, सारे कस्टमर्स के लिए, कोई मिनिमम ये नहीं कि आपको बल्क मंगाना है, ऐसा कुछ छोटा सा छोटा ऑर्डर भी आप 20% डिस्काउंट के साथ ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद फ्री होम डिलीवरी। तो देखा जाए तो ये इस पर भी एक तरह का सेवा भाव ही है,